कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। सिब्बल बोले कांग्रेस ने शायद हार को नियति मान लिया। गहलोत बोले अंदर का मामला बाहर लाना गलत। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर ही विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी के टॉप लीडरशिप यानी सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया राहुल का बचाव करते हुए सिब्बल पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा पार्टी के अंदर का मामला बाहर लाना गलत है। गहलोत ने ट्वीट किया, कपिल सिब्बल को मीडिया के सामने हमारे आंतरिक मुद्दों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने लिखा, कांग्रेस ने 1969, 1977, 1989 और बाद में वर्ष 1996 में कई तरह के संकटों का सामना किया। इसके बावजूद हर बार हम अपनी विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में विश्वास के चलते मजबूत बनकर उभरे हैं। सिब्बल ने कहा था शायद टॉप लीडरशिप को सब ठीक लग रहा है। सिब्बल ने अंग्रेजी को दिए इंटरव्यू में कहा, बिहार के चुनावों और दूसरे राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब ठीक लग रहा है और इसे सामान्य घटना माना जा रहा है। मेरे पास सिर्फ लीडरशिप के आसपास के लोगों की आवाज पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी में 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें कमजोरियां पता है, यही भी जानते हैं कि संगठन के स्तर पर क्या समस्या है। शायद समाधान भी सबको पता है लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो पार्टी को नुकसान होता रहेगा। कांग्रेस की दूरदशा से सबको चिंता है।